वर्ड रिलेशंस, वर्ड रिलेशंस में हमको क्या करने हैं, इस ऑप्शंस को देखने हैं और इसमें से जो भी ऑप्शंस हैं उसको पहचानना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे मॉइस्टन, मॉइस्टन डैश कूल फ्रीज, जैसे फ्रीज मतलब ठंडा करने से क्या होता है, कूल करने से क्या होता है, वो कुछ भी चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, वैसे मॉइस्टन करने से क्या होता है, मॉइस्टन मतलब पता है ना, मॉइस्चराइजेशन जो रहता है, नमी, तो क्या होता है, सोख। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। ऐसी जैसे स्टार्स, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर लोग क्या करते हैं, स्टार्स वगैरह के बारे में, सन या मून के बारे में बताते हैं, वैसे ही आपको बताना है कि कौन जो है हिस्ट्री के बारे में बताता है, हिस्ट्री में क्या पता चलता है। जैसे एस्ट्रोनॉमर से हमको स्टार्स के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री में क्या पता चलता है, बैटल्स, एक्लिप्स, हॉर्सेस या ऑटोनम, आ रहा समझ में। ऐसे ही आपको क्या करना है, गेस करना है। ठीक, जैसे वॉल्यूम किस में होता है, जैसे पोयम में स्टांजाज होते हैं ना, फर्स्ट स्टांजा, सेकेंड स्टांजा, थर्ड स्टांजा, पोयम में या गाना वाने में होता है नहीं, फर्स्ट स्टांजा सेकेंड स्टांजा, वैसे ही क्या चीज़ में वॉल्यूम होता है, किस में वॉल्यूम होता है, मेजर में, मैप में, इंसाइक्लोपीडिया या किचन में। ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको कुछ हिंट दिए हैं, आपको बस ये बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है करके। जैसे ये देखिए, साइंटिस्ट क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना भाई, तो कौन लोग प्ले करते हैं, मतलब एक्टिंग कौन करता है, तो वो एक्टर लोग करते हैं, प्ले मतलब होता है एक्टिंग करना, है ना, खेलना, खेलने का मतलब वो खिलाड़ी वाला खेलने से नहीं है, प्ले मतलब एक्टिंग भी होता है या ड्रामा भी होता है। ठीक, तो साइंटिस्ट जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे क्या होते हैं, एक्टर्स लोग क्या करते हैं, प्ले करते हैं। ठीक, डैश लॉन्च ब्रेकफास्ट लंच, जैसे ब्रेकफास्ट में हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच होते हैं, लंच और ब्रेकफास्ट ये एक दूसरे से रिलेटेड है ना, ये भी खाने का है, ये भी खाना है, तो लॉन्च किस चीज़ को लॉन्च करती है, क्या सैंडविच को लॉन्च किया जाता है, नहीं, डिनर को लॉन्च किया जाता है, नहीं, एग को लॉन्च किया जाता है, नहीं, काउंटडाउन से लॉन्च किया जाता है, लॉन्च समझ आता है ना, किसी चीज़ को पब्लिश करने के सेंस में होता है, जैसे आज एक मूवी लॉन्च की गई, एक पिक्चर लॉन्च किया गया, एक बुक लॉन्च किया गया, लाइक दैट। ठीक, तो लॉन्च क्या होता है, काउंटडाउन से होता है, जैसे 1 2 3 गो, ऐसा नहीं बोलते हैं, तो ये क्या है आपका काउंटडाउन जो है, लॉन्च। लंच में क्या आएगा, ब्रेकफास्ट, यहाँ पे स्पेलिंग अलग है भैया, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे आपको बताना है। जैसे ये देखिए, डैश कॉलेज मैकेनिकल गैरेज, मैकेनिक जो है गैरेज में होता है, गैरेज आपको पता है जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बनती हैं। ठीक, जैसे गैरेज, गैरेज में क्या रहते हैं, मैकेनिक लोग, और इन लोग क्या करते हैं, जो भी गाड़ियाँ रहती हैं उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, तो जिस प्रकार से गैरेज में क्या होते हैं, गाड़ियाँ जो है रिपेयर होती है, वहाँ पे मैकेनिक लोग होते हैं, वैसे कॉलेज में कौन होते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या है, रिलेट कर रहा है। ठीक, ऐसे ही आपको क्या करना है, पहचानना है। जैसे कार्फ, फैबुला, ये क्या है, हड्डी का नाम है ना, कार्फ और फैबुला। वैसे फेमर, फेमर भी एक हड्डी का नाम है, जो कहाँ रहता है, थाई में रहता है, हमारे जांघों की हड्डियों को फेमर बोलते हैं। ठीक, और ये कार्फ फैबुला क्या है, ये भी एक हड्डी है। तो ऐसे ही आपको क्या करना था, जो भी चीज़ें हैं उसको रिलेट करके आपको आंसर बताना था कि एक्चुअली हाउ दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर, है ना, या इनका कनेक्शन कैसा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, जैसे 1 और यहाँ पे क्या है आपका 3, है ना, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का, और यहाँ पे मैं मान लो कर दी क्या, डैश 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2, जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस आना चाहिए, ऐसा टाइप का। तो ये एक टाइप का एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आता है आपका, आप लोग नवोदय वोदय भी दिए होंगे तो आप लोग को पता भी होगा पहले कभी, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 33, जिसमें है टानी टॉट्स। ठीक है, टिनी टॉट्स मतलब होते हैं छोटे छोटे, टानी मतलब होते हैं सबसे छोटा, है ना, तो उनके बारे में पढ़ना है, छोटे छोटे जानवर्स या जो छोटे छोटे एनिमल, है ना, टानी एनिमल्स के बारे में। रीड अबाउट दिस मिनी मैग्निफिसेंट टानी क्रिएचर्स, दिस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड एंड नेम देम यूजिंग अ क्लू बॉक्स। ये ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और इनका नाम हमको बताना है क्लू को पढ़ के, ये जो क्लू दिए हैं उसको पढ़ना है और उसको बताना है। देखो कितने सुंदर सुंदर डायग्राम हैं, अच्छा लग रहा है ये, इसको बताइए। जैसे फर्स्ट लिखा है, इट इज़ द लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड, ये सबसे हल्का, लाइट मतलब होता है हल्का, स्मॉल मतलब सबसे छोटा बर्ड है इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट इज़ ऑफन मिस टेकन एज अ बी, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए इसको मधुमक्खी के जैसे भी मानते हैं, पर एक्चुअली में ये मधुमक्खी नहीं है, ये क्या है, बर्ड है। द
तो इसका नाम क्या है, हमिंग बर्ड। बी हमिंग बर्ड इज़ दी स्मॉलेस्ट बर्ड और लाइटेस्ट बर्ड, हल्का भी होता ही है ना, सबसे छोटा चिड़िया का नाम क्या बोलोगे, तो बोलोगे हमिंग बर्ड। आ रही बात समझ में? एंड दिस वन इज़ दी हमिंग बर्ड, हियर यू कैन सी दी पिक्चर्स ऑल्सो। नाउ दे आर दी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डॉग ब्रीड, जो डॉग की ब्रीड है उसमें से सबसे छोटा डॉग। दे आर ओनली 6-9 inches टॉल, वेट इज़ 1-4 kilograms ओनली। तो डॉग है, डॉगों में जैसे डॉग आप देखे हो कितना बड़ा बड़ा रहता है, कुत्ता है ना, डॉग कितने बड़े रहते हैं, तो ये जो डॉग है बहुत छोटा होता है, 6-9 inches ही होते हैं इसकी हाइट। और ये कितने किलोग्राम का रहता है, लगभग 4 kilograms के आसपास, ठीक है, 1-4 मैक्सिमम। तो इसको क्या बोलते हैं, पिग्मी मॉर्मोसेट मंकी। ये क्या है, ये डॉग की प्रजाति है, ये है ना सेकंड में। आ रही बात समझ में? ओ नो इट्स नॉट मंकी, इट्स ची हुआ हुआ डॉग आई थिंक, ये गलत फील हुआ है ना जी, गलत फील हुआ है इसमें, आप देख लेना, ये डॉग का नाम ची हुआ हुआ है ना, ये ची हुआ चिहुआ, ये डॉग का नाम है, ये मंकी वाला तो इसका है बेटा, ये देखो मिनिएचर मंकी जो 6 inch लॉन्ग रहता है ये भी, तो ये मंकी है, मंकी ये देखिए, ये फिंगर में भी रख रहे हैं इसको, नहीं सॉरी ये है मंकी ना, ठीक है, ये क्या है आपका मंकी है छोटा सा, तो ये मंकी है और ये डॉग है, ठीक। ये देखिएगा ऐसी आपको बाकी चीज़ें क्या करनी है, फिल करनी है। जैसे यहाँ पे देखो एक लैमर, लैमर मतलब होता है आपका बंदर, बंदर के ही वैरायटी में आता है, तो स्मॉलेस्ट बंदर है या स्मॉलेस्ट लैमर है, एंड एक्सट्रीमली अडोरेबल इन अपीरियंस, दिखने में बहुत क्यूट दिखता है ना, तो उसका नाम क्या है, पिग्मी माउस लैमर, ठीक। तो ये लैमर का है, इसकी बात हो रही है, दिस सी क्रिएचर इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ एवरेज ह्यूमन फिंगर नेल, इसका साइज़ जो है एक हाथ के बराबर होता है, एंड प्रिफर टू हाइड द कोरल रिफ्स। पिग्मी सी हॉर्स, ये कैसा सी हॉर्स है जो एक इंसान के उंगली के जितना ही बड़ा रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है ना सी हॉर्स, आई थिंक ये है ऊपर वाला, ठीक है, मंकी के नीचे वाला शायद है ना, तो ये एकदम छोटा रहता है और ये क्या करते हैं अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ठीक। तो ये क्या है आपका पिग्मी सी हॉर्स, ये क्या है बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट क्रिएचर है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही आपको जितने भी हिंट हैं उसको पढ़ना है, समझना है, और फिर क्या करना है आपको, फिल करना है पेज नंबर 33 तक, ओके।